गणपतिप्प मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या हर हर भगवान की जय। 3 बजे निकल जाएंगे, 3:30 बजे मेरी गाड़ी के पास आ जाना। रियली ब्यूटीफुल। ओहो क्या खूबसूरत है। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। आप पीछे देख सकते हो सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल चुके, मतलब फ्रेश हो गए, नहा भी लिया, सब सामान वगैरह पैक हो गया। बस यहाँ से अभी निकलने की देरी है, थोड़ा नीचे जाता हूँ, चेक करता हूँ क्या है। सो गाइज आप देख सकते हो हरिद्वार सिटी का ऊपर से नज़ारा। वो जो आप ऊपर देख रहे हो मंदिर, वो मानसा देवी का मंदिर है। वहाँ पे जाने के लिए आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखिए केबल कार है। तो गाइस आप देख सकते हो हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा में टुवर्ड्स द घाट। A few moments later. तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं हर की पौड़ी गंगा घाट पे और आप देख सकते हो भीड़ कितनी है यहाँ पे। देख सकते हो गाइस जो फ्लो है इसका इतना जबरदस्त है। So guys, कहते 10 बज गए, सुबह 7 बजे का प्लान था निकलने का और अभी 10 बज गए और ऐसे कुछ मतलब और भी 3 लोग हैं हमारे साथ तो इट्स अ शेयरिंग थिंग। तो ये इस गाड़ी में हम जा रहे हैं, आप देख सकते हो पूरा सामान ऊपर तक भरा हुआ है। तो चलो कोई नहीं, लेट ही सही बट आखिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सो गाइस ऑल सेट, गाड़ी हो चुकी है रेडी, बस गाड़ी में बैठना है और यहाँ से निकलना है। आज हम जाने वाले बरकोट, जो 5.5 से 6 घंटे का सफ़र है पहाड़ों में। इट्स नॉट अबाउट द किलोमीटर्स, इट्स अ टाइम दैट इट टेक्स टू रीच दोज प्लेसेस। तो यहाँ से अभी निकलते हैं, रास्ते में काफ़ी अच्छे नज़ारे मिलेंगे। अभी तो नहीं मिलेंगे, बस पहाड़ जैसे शुरू हो जाएंगे तो नज़ारे आपको दिखने मिलेंगे। तो चलो नज़ारे देखते देखते चलते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। गणपति अप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या हर हर भगवान की जय। बोलो केदारेश्वर मीठा जय। गाइस भोले बाबा का जयकारा लगा के हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा पे, चार धाम यात्रा पे। A few moments later. So guys, पेट्रोल के लिए हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है और यहाँ पे है 93.22 पर लीटर, तो काफ़ी सस्ता है पहाड़ों में। मुंबई में बहुत महंगे, हम लोग 114 रुपये भर रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। तो गाइस आप देख सकते हो दिस इज द एलिफेंट अंडरपास। जब यहाँ पे हाथी है तो उनको पास करने के लिए नीचे से रास्ता बनाया गया। यहाँ पे बहुत चेकिंग चल रही है। हाँ नई गाड़ी है, तो नई गाड़ी है, नई गाड़ी अभी तो रिबन भी नहीं निकली है। देहरादून शहर बहुत
कंजेस्टेड हो गया। हाँ बस लोग आते हैं तो भीड़ होता है। गाइस एट लास्ट पहाड़ शुरू हो गया, आप देख सकते हो ट्रैफिक भी शुरू हो गई। पहाड़ से बोल ही दिया मैंने, पहाड़ शुरू हो गया, ट्रैफिक भी चालू हो गई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, अभी हम बस देहरादून से थोड़ी बाहर आ गए और यहाँ पे ये चेकिंग चल रही है। मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन है चारधाम का तो ही यहाँ से आगे जाने देते हैं, वरना अलाउड नहीं है। स्पेशली जो येलो प्लेट गाड़ियाँ हैं, टूरिस्ट गाड़ियाँ, वाइट प्लेट तो छोड़ देंगे। गाइस आपने देखा हम पिछले मोड़ पे ही थे जहाँ पे हमको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए और आगे ही निकले तो यहाँ पे वापस पकड़ लिया इस दूसरे मोड़ पे। तो अभी यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन होएगा, उसके बाद ही हमको जाने को मिलेगा। तो तब तक हम यहाँ पे छाव में थोड़ी हवा खा रहे। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब जैसे ही पहाड़ शुरू हुए पूरा टेम्परेचर में चेंज हो गया। हरिद्वार में जैसी गर्मी हो रही थी वैसे नहीं है यहाँ पे। Years later. So guys, दो घंटे की देर के बाद हमको उन्होंने छोड़ दिया। काफ़ी जुगाड़ करना पड़ा निकलने के लिए, बट एट लास्ट वी हैव मूव्ड। और आप देखिए ये व्यू, ऐसे कैफे में बैठ गए ना चाय पीने में मजा आते। दैट इज देहरादून टाउन। रिम झिम रिम झिम बरसत आल्या आल्या पाऊस धारा, मोर नाचला बनिया नंद फुल बुनी रम्य पिसारा। रिम झिम रिम झिम बरसत आल्या आल्या पाऊस धारा, मोर नाचला बनिया नंद फुल बुनी रम्य। ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज द पार्किंग। भवती भवती हिरवळ पसरे गंध सुगंधी वारा, दैट इज मसूरी। Guys, see the view. Beautiful, superb. Climate इतना जबरदस्त हो गया ना। So guys, हम लोग यहाँ पे रुके हैं, नाश्ता भूल नहीं सकते खाना खाने के लिए, बिकॉज दो घंटे हमारे वहाँ पे बर्बाद हो गए, मैंने आपको बताया था। बट अब देख सकते हो मौसम इतना superb हो गया। एंड ये वो ढाबा है जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और इसके पीछे का व्यू देखिए। सो दिस इज द व्यू एंड दैट इज द एम्प्टी वाटरफॉल। सो गाइस आ चुका है हमारा पराठा, बहुत अच्छा है। दिस इज आलू प्याज और हमने भैया को बोला साथ में चीज़ भी डाल दो ताकि मज़ा आए। मौसम क्योंकि मस्त हो गया ठंड वाला, तो बारिश की वजह से तो साथ में अगर चीज़ रहेगा तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। तो लोग यहाँ पे खाते हैं और नीचे मैंने आपको दिखाया था नज़ारा केम्प्टी फॉल, तो शायद से हम केम्प्टी फॉल जाएंगे, खाते हैं बाद में सोचते हैं। A few moments later. जहाँ पे हम लोग पराठे खा रहे थे उसके नीचे तो ये फॉल्स यहाँ से आता है, आप देख सकते हो।
यहाँ से ये नीचे गिरता है। सो गाइस चेक दिस व्यू, यहाँ पे ये केबल कार भी है। ये क्लाइमेट देखो एकदम सुपर्ब। और ये है केम्प्टी वाटरफॉल्स। अफसोस हम नीचे जा नहीं पाए क्योंकि बारिश शुरू हो गई वापस। रियली ब्यूटीफुल। तो गाइस चाय और ये मौसम एकदम ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। सुर के पीने में मज़ा आता है। एकदम नीचे सोच रहे थे जाने का केम्प्टी वाटरफॉल, ज़्यादा नहीं एक 15-20 मिनट में नीचे पहुंच जाते थे, बट अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है और मैं भीगना नहीं चाहता क्योंकि अभी तक हमारी यात्रा छोटी नहीं हुई और हम बीमार नहीं पड़ना चाहते। तो बस यहाँ पे रुके, गाड़ी आएगी थोड़ी देर में। एम्प्टी वाटरफॉल से निकले हैं, आप देख सकते हो मौसम कैसा है यहाँ पे। ओहो क्या खूबसूरत है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ से ये रोड पूरा नीचे गया था। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे रुके हैं पहाड़ वाली चाय पीने के लिए, मतलब अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी और यहाँ से अराउंड और 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर को पहाड़ों में एटलीस्ट 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। तो यहाँ से चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो बाहर कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। तो ये चाय की दुकान है और ये पीछे जमुना जी बहती है, अभी दिखेगी नहीं और ये ऐसी कुछ है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बरकोट और थोड़ी देर में मैं आपको रूम टूर भी देता हूँ। रूम में चेक इन कर लिया हमने, सामान रखा है और यहाँ पे हमारी खाने की व्यवस्था की है। तो अभी खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं रूम की तरफ। सो गाइस खाना खाना शुरू कर दिया मैंने, तो बाद में याद आ गया कि आपको बताना रहेगा कि हम लोग खाना क्या खा रहे हैं। वो खाने में ये है कढ़ी पकौड़ा, ये मटर की सब्जी है, आलू सलाद और रोटी। यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है इसके लिए खाना फटाफट ठंडा हो रहा है, बट काफ़ी स्वाद है। तो हलवा भी है, बाद में दिखाता हूँ। तो गाइस ये पीले चावल भी है, इस पर मैंने मटर डाले हैं। तो गाइस ये हलवा है, जबरदस्त है, बहुत मस्त था, मतलब खाना इनफैक्ट दो सब कुछ अच्छा था, मजा आ गया। तो अभी रूम पे चलते हैं यहाँ से। The next day. So guys, दूसरा दिन हो चुका है, मतलब अभी सिर्फ 2 बज रहे हैं और मैंने कल का वीडियो मैंने ख़त्म नहीं किया, तो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हर हर महादेव। तक के गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी, जानकी चट्टी तक गाड़ी आ दी है। Thank you.